पाटनगर के कमरे में मिली अज्ञात महिला के शव की शिनाख्त हो गई है। मामले में पुलिस बिस्तरा रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। इंदौर के आजाद नगर थाना क्षेत्र के विराट नगर के एक कमरे में मिली अज्ञात महिला के शव के मामले में पुलिस ने मृतक महिला की पहचान कर ली है। महिला भील कॉलोनी में रहने वाली ललिता है। पुलिस को घटनास्थल का एक सीसीटीवी वीडियो भी मिला है, जिसमें ललिता एक व्यक्ति के साथ ले जाते हुए दिख रही है। इस मामले में पुलिस ने अब तक दो लोगों को हिरासत में लिया है और एक अन्य व्यक्ति की तलाश जारी है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में महिला के शरीर पर कोई भी बाहरी घाव या जोर जबरदस्ती के निशान नहीं मिले हैं। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है, विराट नगर के अंदर एक महिला का हमें शव मिला था। उसके पश्चात 3 दिन पुरानी वो बॉडी थी, उसके पश्चात महिला की शिनाख्त भी नहीं हो पाई थी। हमारे द्वारा महिला की शिनाख्त भी इसमें कर ली गई है। महिला ललिता नाम की एक महिला है, जो भील कॉलोनी आज़ाद नगर की रहने वाली है। उसके परिजनों से भी हमारे द्वारा संपर्क किया जा चुका है और इसके अंदर एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें महिला एक व्यक्ति के साथ जिस घर में उसकी लाश मिली उसमें जाते हुए दिख रही है। हमारे द्वारा उस घर के मालिक से भी बातचीत करके सभी किरायेदारों के विषय में पता लगा लिया गया है। उसमें वह जिसके साथ गई है उसके विषय में भी पुलिस ने सारी जानकारी जुटा ली है। इसके अंदर कुल 3 लोग थे, जिसमें से पुलिस द्वारा 2 लोग को संदिग्ध मानकर उनसे पूछताछ जारी है और एक मेन जो सीसीटीवी फुटेज में महिला के को जिसके साथ जाते देखा जा रहा है उसको अभी उसके लिए हमने टीम भेज रखी है। संभवतः उसको हम जल्दी से राउंड अप करके पूरे घटनाक्रम का। बहरहाल इस मामले में बिस्तरा रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, जो मौत के कारणों को स्पष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इंदौर से राजीव टाइम्स की रिपोर्ट।